कितने मोछ वाले जादव, पगड़ी वाले जादव, देखो गढ़ को देखो। और उसमें उन लोगों का क्या कहना है, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। यादव लोग का पावर ओवर ना होते। अरे यार का तो बोलवा तू, का देखनी है, यादव के पावर नहीं होला हो जाई, का साबित हो जाए से मजबूती का। यार तो उखरी पर चढ़ के मजबूत होला, उखरी पर चढ़ के मजबूत नहीं खे होला, पाग बना के बड़ा हो सकेला। आप पागे बांधते रहेगा, कोई आदमी पहाड़ पर चढ़ के वहाँ झंडा दिखा देगा। अरे भाई तो पहाड़ पर चढ़ने का मतलब क्या होता है, पाग पर चढ़ के पहाड़ पर जाता है क्या? यहाँ से पगड़ी मान के लोग पटना दिल्ली जाता है, यहाँ से मधेपुरा के धरती। तो काहे नहीं कोई आदमी मुख्यमंत्री बन जाता है, अब पहले बन गए लालू जी, लालू जी को भी यहाँ आप लोग हरा दिए थे एक बार। अरे लालू जी रहे हाँ। जो यहाँ के ज्यादा बाबा शिक्षित नहीं रहा है मधेपुरा के। अच्छा। तीन कलम खोसने लगे है। हाँ कौन कौन कलम? अरे भाई कितना कलम गिन सब, गिनो बाबू गिनो कितना कलम। भारतीय जनता पार्टी में जो यादव है वो यादव ना है तो। अरे भाई अब कहो हाँ। का कहो भाई अब तुम लोग। अरे भाई तो कहता है कि वो आके मधेपुरा में अब दूध हो वाला था, पहले के गार्जियन लोग बा, हम लोग तो पढ़ल एम ए बी ए बी एस सी एम एस सी कहनी हो, तो काबू जब भैंसिया की गैया के दुहेला। यादवों के इतिहास के बारे में बताइए, आपका उम्र हो गया कितना? अरे भाई हमारा तो 50-55 हो गया, 55 बरस। तो आप अपने नए समाज के जो बच्चे हैं, आपके जनरेशन के जो बच्चे हैं, उनको आप अपना थोड़ा सा इतिहास बताइए कि यादवों की पावर क्या है, यादव कहाँ से आए, क्या है, थोड़ा सा बताइए। देखो बाबू उतना तो हम रामायण शास्त्र की बात उतना नहीं जानते, हम इतना जानते हैं मधेपुरा में जितना मेरे यादव लोग अशिक्षित हैं थे, अब नहीं रहे, नहीं अब ये शिक्षित इतना पढ़ लिख लिया यादवों का बाल बच्चा कि वो ये कहाँ दिल्ली उसे आगे भी जा सकता है। देखिए ये सब कहने की बात है, सच्चाई ये है कि अभी जाति आधारित गणना का रिपोर्ट आया है और उसमें यादव जाति के जो लोग हैं वो ओबीसी में सबसे ज़्यादा अशिक्षित है और सबसे कम नौकरी में है। 1.55% यादव जाति के जो लोग हैं वो नौकरी में है, यानी कि 200 लोगों में से मात्र 3 अहिर जात के लोग नौकरी में है, ये सच्चाई है आपके समाज के। तो आप अपने समाज के लड़कों से कहिए कि कम से कम पढ़ाई लिखाई करें। हाँ जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक पॉकेट मार के हाल को कैसे जानेंगे। सबसे पहले शिक्षित होना जरूरी है। अभी जज साहब बोल रहे थे पटना हाई कोर्ट के जज, क्या बोले कि आप अपने बच्चा को पढ़ाइए लिखाइए। हाँ कहे को बाल बच्चा? अरे 2 लड़का भाई पढ़ा रहे हैं। पढ़ा रहे हैं अभी सर, सरकार में तो ऐसा घुसखोरी हो रहा है कि पढ़ लिख के बैठल फिर बा आ जो न पढ़नी है चल गई उसका चयन हो गए, ये तो सरकार के धंधा। वा सरकार में तो आप ही की जाति के लोग। अरे भाई कहाँ अभी हमारे सरकार में जाति के, उप मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं। अरे है ना तो तेजस्वी जी आए थे आज न मने भाई हाँ। उसका था 10 लाख का जो फाइल पर दस्तखत होने का पहला ही 4.5 लाख हो गया, उसका फाइलवे चोरी हो गया, फाइलवे उसका चोरा। कुछ दिन बाद गएगा पेनवो चोरी हो गया, साइन कैसे करे? तेजस्वी करता जरूर हाँ। लेकिन उसका फाइलवे हर जिला में डीएम साहब चोरवा लिए सब जगह वहाँ वहाँ सब गलत कहा है ना, सब जगह हरवाए ना वही ना फाइल चोरी हो गया उसका। एक भाई साहब है, क्या नाम है आपका जी? संजीत कुमार है। कितना उम्र हुआ? मेरा उम्र 23 साल अभी हो रहा है। 23 साल हो गया हाँ। काहे के लिए आए? यहाँ पर आए हैं, देखिए वैसे हमारे समाज के लोग जागरूक नहीं है, हमारे समाज के लोग के इतिहास को जो है ना दबाया जा रहा है। जो 1962 में हमारे जो 20 सेना जो 1300 सैनिक को जो मार दिए थे उस इतिहास को दबाया जा रहा है, उसको लेकर के आज देखिए आज सिख रेजिमेंट अलग है, गोरखा रेजिमेंट अलग है। तो हम लोग चाहते हैं हमारी सेना की जो सच्ची श्रद्धांजलि होगी वो अहिर रेजिमेंट होगी, और अहिर रेजिमेंट बनाने के लिए हम लोग का एक मिशन है, उसी मिशन को लेकर के जो है हम लोग यहाँ पर एक यादवों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन किए हैं। आज देखिए आज सुबह से यहाँ तक यादवों की इतना भीड़ थी कि भीड़ आज हमको लगता है ये भीड़ ऐतिहासिक भीड़ रही है, आज तक हमने इतना बड़ा रैली नहीं देखे हैं कि इस स्टेडियम में यादवों के लिए जगह नहीं बना है, इसीलिए पहली बार हुआ हाँ, इतिहास में दर्ज हो गया ये हाँ, इतिहास में जो 100 साल में पहली बार हुआ है, 100 साल से ज्यादा मतलब 23 बरस के आप हो गए, इससे पहले इतना बड़ा भीड़ नहीं देखे थे? नहीं देखे इस स्टेडियम नहीं, इतना बड़ा भीड़ नहीं, सब यादव का हाँ, सब यादव महासभा है। वो जो रेजिमेंट की बात कर रहे अहिर रेजिमेंट बन जाएगा तो क्या फायदा होगा, तनी हमको बताइए।
देखिए जैसे कि आपको ये इस बात से समझ, जैसे कि सिख रेजिमेंट है एक राज, एक पंजाब में सिख है उसमें उसके लिए एक सिख रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, इसी तरह से राजपूत रेजिमेंट है, जिस आप देखिए जो जातीय जनगणना हुआ है 18 रेजिमेंट है जो जातीय जनगणना हुआ है उसमें जिसका 3% आबादी है उसका रेजिमेंट है, और जिसका जो है 14% आबादी है उसका रेजिमेंट नहीं है। जातीय जनगणना केवल बिहार में हुआ है और आप जो रेजिमेंट की बात कर रहे हैं वो पूरे देश में है। इस माध्यम से जो है, इस माध्यम से हम समाज को जागरूक कर रहे हैं कि ये रेजिमेंट जो है बिहार की गणना, जो जातीय जनगणना बिहार में नहीं पूरे देश में अब होगी, और ये आगामी चुनाव जो है लोकसभा उसमें सरकार की ये घोषणा पत्र में इंकित होनी चाहिए कि आखिर ये अगर सरकार आती है तो हम जातीय जनगणना पूरा देश में हो। एक बात कहता है लोग, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो कहते हैं कि सारा दुनिया चांद पर जा रहा है, अमेरिका हो, रूस हो, कनाडा हो, जापान हो, सब चांद पर जा रहा है, और हमारे बिहार में ये है कि जाति आधारित गणना करके बिहार को नीचे ले जा रहे, 500 करोड़ रुपया बर्बाद कर दिए नीतीश और लालू यादव के बेटा। कौन कहता है जी, वो सब झूठा आरोप लगा रहा है। हम लोग का गिनती कम रह गया है जादव का, हम लोग तो 30-40% है जी, 40% है, कमे कर दिया है, 14% पे ला के छोड़ दिया है। बीजेपी वाला का जो एगो भटभटिया नेता है उसका कोई वैल्यू है जी बीजेपी में? पछलगवा है का है न जी, आपके पार्टी में जो यादव आपके पार्टी में पछलगुआ है, उसका कोई वैल्यू है? मंच पे से धक्का दे दिया गया था, आप देखे थे वहाँ पे? देखे थे, कैसे कैसे धक्का दे के उतार दिया था मंच पे जी? वो बात सही है, लेकिन एक बात बताइए कि वो अलग हुए, राम कृपाल जी की बात कर लीजिए, वो अलग हुए तो कम से कम आज सांसद है ना, सांसद है तो अपने बल पे नहीं ना है जी, बल पे पार्टी के विशेष पे अपने बल पे आइए ना। राजद से हम लोग जो है 14% बिगाड़ा ना, हम लोग 40% है, देख लीजिए यहाँ पे सभा कितना, 3-4 लाख आदमी पहुँचा, पूरे स्टेडियम भर गया है, हम लोग अयोध्या में यादव तो आया है, आ यादव सबका पालनहारी है, आपको पता होना चाहिए, पालनहारी है, SC ST एक्ट यादव पर लगा है, सबके कपार पे यादव न हाथ रखता है जी, चाहे जहाँ भी जाए जादवेज है जो सबको लेके चलता है, 2% वाला फुदफुद आता है, उसको फुदफुदाने से कुछ होगा? मुख्यमंत्री होगा जी, मुख्यमंत्री बनेगा लोग? नहीं बनेगा, कहियो ना लिख देते हैं, लाइए स्टाम्प लिख देते हैं, स्टाम्प लिख देने से हो जाएगा? नहीं बनेगा, आज तक नहीं बना है, नहीं बनने देंगे आगे भी, नहीं बनने देंगे जी, 40% है जी, जबरदस्त 40% वाले आदमी है, हम लोग का ही बनेगा, प्रतिनिधित्व राजद करेगा, पूरे राष्ट्र में करेगा, क्षेत्रीय पार्टी है। अभी अमित शाह है तो देखा बोले कि जितना क्षेत्रीय पार्टी है ना सबको मिट्टी में मिला देंगे, उसके कहने से हो जाएगा? वो सब भगौड़ा का आदमी का कोई वैल्यू है जी, भगौड़ा पार्टी है, भाजपा का अर्थ है भारतीय भारत जलाओ पार्टी, समझ रहे हैं ना, वो दंगा फसाद कराएगा, हिंदू मुस्लिम कराएगा, कभी रोजगार का बात लालटेन बुझा देगा, नहीं बुझेगा लालटेन, देख लीजिए, अरे कैसे बुझेगा जी, तेजस्वी यादव जो है 4.5 लाख रोजगार दे चुका है, आपको पता है ना, 4.5 लाख 10 लाख का वादा था, 4.5 लाख हो गया, राम मंदिर बना, कभी इतिहास में कोई भी राज्य में 1,22,000 रोजगार बटा गया था क्या एक दिन में? खबर नहीं है कि राम मंदिर में जब दिया जला रहे थे तो दिए का जो तेल है वो गरीब तेल को लेकर के जा रहे थे, जिसको जो है भूखनाथ नामक एक पत्रकारिता है उन्होंने उसको वायरल किए थे और पूरे देश में उसका खबर चला था, खूब वायरल भी हुआ था। तो राम मंदिर देश की समस्या, राम मंदिर नहीं है, वो खबर हमको दिखाती है कि देश की समस्या है भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी। और एक दैनिक भास्कर भी एक न्यूज चलाए थे कि बिहार में जो है यूपी वाले को रोजगार दे रहे हैं,
और यूपी वाले जो है वहाँ राम राज है, घंटी बजा रहे हैं। वहाँ का स्टूडेंट यहाँ के हमारे उप मुख्यमंत्री को, मंत्री को, सबको बधाई दे रहे हैं, कह रहे हैं वहाँ कुछ नहीं है जी, कौन घंटी बजाने से पेट भर जाएगा। हमारे चैनल पर चल रहा था बहुत, घंटी बजाने से पेट नहीं भरता है जी, काम काज रोजगार मिलेगा, जॉब मिलेगा तभी पेट भरेगा। नहीं मानते फिर भी सत्ता में कैसे आ जाता, अखिलेश जी को सत्ता से हटा दिया लोग। अरे वो सब फरेबी करता है जी, ईवीएम में गड़बड़ी करता है, कौन नहीं जानता है।